हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सबसे पहले हम सुबह उठ के करेंगे अपनी वीडियो को एडिट, जो हमने अपने दूसरे चैनल के लिए बनाई थी। उसको ना 4 दिन हो गए शूट हुए, लेकिन अभी तक मैंने उसको एडिट नहीं करा, तो आज उसको एडिट करके फाइनली अपलोड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो एडिट हो चुकी है और भाई लिटरली इतना टाइम लग गया ना मुझे। मैं बैठा था 11:30 बजे और 4 बजने वाले हैं, ना मैंने लंच करा ना मैं उठा एक बार भी। यार मुझे खुद भी यकीन हो रहा, मैं 4 घंटे लगा दी मैंने वीडियो एडिट में, नहीं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे लगाता हूँ, इतने में वीडियो एडिट कर देता हूँ। आज 4 घंटे लगाए हैं क्योंकि फर्स्ट लॉन्ग वीडियो डलने वाली है मेरे उस चैनल पे ना, 8Swigs21 पे, तो प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर द वीडियो। तो आपको यकीन ना हो रहा तो मैं टाइम दिखा देता हूँ, 4 बजने वाले। अरे भाई, और अभी हम घर पर अकेले हैं, घर पर कोई है भी नहीं, तो भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए बनाते हैं। सब गए हुए हैं घूमने, कोई नहीं है, ओनली मी एंड द डार्कनेस ऑफ माई हाउस। तो चलें। ओ भाई ये क्या करके गए हैं यार, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब हमें बर्तन भी धुलने पड़ेंगे क्या यार? पर पहले कुछ खाने के लिए बनाते हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। ठीक है, तो देखते हैं कुछ खाने के लिए हो तो। कुछ खाने के लिए भी नहीं है तो चलते हैं बाहर से मैगी लेकर आते हैं, अपने लिए मैगी बनाते हैं, क्योंकि वही है जो इंस्टेंट 4-5 मिनट में बन जाएगी, 2 मिनट में तो नहीं बनती, झूठा क्लेम है, तो मैगी लेकर आते हैं। चलिए, तो दोस्तों मैगी लेकर आ गए हैं और हम 2 पैकेट लेकर आए हैं मैगी, क्योंकि भूख ज़्यादा है ना, तो 1 पैकेट में ख़त्म नहीं होगी। और शुरू करते हैं मैगी बनाना। तो दोस्तों आज मैंने एक नए स्टाइल में मैगी बनाने वाला था, अभी मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, उसमें पहले मिर्च डाली, प्याज डाली, टमाटर डाले, मतलब पहले ऑयल डाला था, उसके बाद ये सब डाला, फिर उसको जब वो थोड़े ब्राउनिश हो गए ना, उसके बाद पानी डाल के मैगी डाली। अब मैं सारे में ढूंढ लिया, हमारे घर में सिर्फ प्याज है, तो सिर्फ प्याज से ही मैगी, मतलब प्याज से क्या, प्याज ही डाल सकते हैं और कुछ नहीं है। कोई नहीं, चलो प्याज से ही बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले काटते हैं प्याज। तो प्याज कट चुकी है, अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब डालेंगे इसमें पहले मैगी मसाला। ओ भाई जल गई जल गई जल गई जल गई यार। दोस्तों मैं अभी उसमें कंप्यूटर में इतना बिजी हो गया था, मैं भूल ही गया था कि मैगी बनाने भी रखी है, अचानक से याद आया कि मैगी बन रही है गैस पे, पर बच गई, जली नहीं है। Now it's finally ready. Let's taste. प्लेट में करते हैं और लेकर चलते हैं। ज्यादा हो गई यार मैगी तो गाइस मैगी रेडी है, चलते हैं और खाते हैं मैगी। तो दोस्तों मैगी खा ली है और अब आपको पता ही है कि टाइम है बर्तन धुलने का, क्योंकि बर्तन काफी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो चलते हैं और बर्तन धुलते हैं। यार एक तो पता ही नहीं, देखकर ही मन नहीं कर रहा धुलने का, पर फर्स्ट स्टेप, वो कहते हैं ना, फर्स्ट स्टेप वाज हार्ड देन
द वे वॉज ईजी। तो शुरुआत करते हैं, फिर रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली सारे बर्तन धुल चुके हैं। फिर मल्टी टैलेंटेड बॉय, सारे काम कर लेता हूँ मैं, आने भी चाहिए। तो दोस्तों शाम हो गई है और यार आज का दिन बिताना ना बहुत ही मतलब मुश्किल वाला टास्क हो गया एक, क्योंकि दीदी मम्मी मोक्ष होते थे तो कभी मोक्ष से बातें करते थे, कभी मम्मा से दीदी से, दीदी को परेशान करते थे, मम्मा को परेशान करते थे, पर अब चुपचाप बैठे अपने रूम में। पर ये है कि आज मैंने अपने दूसरे चैनल के वीडियो शूट जो करी थी उसकी एडिट हो चुकी है, तो फाइनली मैंने अपलोड भी कर दी है। मॉर्निंग 8 बजे वो भी लाइव हो जाएगी मेरे 8Sweeks21 चैनल पे, तो प्रीटी मच एक्साइटेड फॉर डैट, क्योंकि फर्स्ट लॉन्ग वीडियो शूट करा था उसके लिए। देखते हैं क्या रेस्पॉन्स रहता है ना। और अब शाम तो हो ही गई है तो पहले ना सब बाकी रूम की लाइट जला देते हैं। चलिए किचन की तो जल रही है, अंदर की जला देते हैं। तो दोस्तों काफी देर हो गई बैठे हुए और 9:30 बज चुके हैं, खाने का टाइम हो गया और थोड़ी हमें भूख भी लग रही है। सब्जी तो है लेकिन रोटी बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार, अकेले के लिए मैं क्या रोटी बनाऊं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज रोटी बाहर से लेकर आता हूँ। रोटी क्या, आलू या पनीर वाली नान लेकर आऊंगा, फिर सब्जी के साथ खाते हैं। तो चलते हैं और लेकर आते हैं। तो दोस्तों पराठा लेकर आ गए हैं घर, मतलब पनीर पराठा नहीं, पनीर नान, और सलाद भी दे दिया यार फ्री में ना, सही है। और सब्जी हमारे पास दिन की रखी है तो उसे हम गरम कर लेते हैं, फिर खाना खाएंगे। तो दोस्तों खाना रेडी है तो खाना खाते हैं। और खाने में मैंने आपको बताया था हमारा पनीर नान, सब्जी दिन वाली और सलाद। चलिए खाना खाते हैं। तो दोस्तों खाना खा लिया है और खाने खाने के बाद ना जो 2-4 बर्तन हुए उनको धुलते हैं, ज़्यादा नहीं है थोड़ी है, फिर बर्तन धुलने के बाद व्लॉग को एंड करेंगे, ठीक है। पहले बर्तन धुलते हैं। तो दोस्तों फाइनली बर्तन धुल चुके हैं और इसी के साथ व्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।